अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन करते हुए तीसरे अंक का हम अध्ययन कर रहे थे, उसमें 15 श्लोक तक हम इसका अध्ययन 20 श्लोक तक हम इसका अध्ययन कर चुके हैं। पिछले व्याख्यान में अभिज्ञान शाकुंतलम के तृतीय अंक के 20 श्लोक तक हम अध्ययन कर चुके हैं, जहाँ पर राजा और शकुंतला का आपसी प्रणय वार्तालाप चल रहा था। राजा शकुंतला को गंधर्व विवाह विधि से विवाह करने का प्रस्ताव कर रहा था, तभी वहाँ नेपथ्य से आवाज़ आती है, मंच पर नेपथ्य से आवाज़ आती है। क्या आवाज़ आती है? चक्रवाक वधु के आमंत्रस्व सहचरम उपस्थिता रजनी, कि हे चक्रवाक वधु, आमंत्रस्व सहचर, अपने सहचर से पुनः आमंत्रण की आज्ञा ले लो, मतलब कि विदा ले लो, पुनः मिलने का कहकर विदा ले लो। उपस्थिता रजनी, क्योंकि रात होने वाली है, रजनी उपस्थित हो रही है। शकुंतला संभ्रमम, अचानक घबरा कर कहती है, पौरव अशंशयम मम शरीर वृतांतो पल्लभा आर्या गौतमी इत एव आगच्छति, कि हे पौरव, हे पुरुवंशी राजा, अशंशयम निसंदेह मम शरीर वृतांतो लंभाया, मेरे शरीर के वृतांत का समाचार जानने के लिए, मेरे शरीर के बारे में जानने के लिए, या मैं बीमार थी तो उसी के समाचार लेने के लिए आर्या गौतमी इतः एव आगच्छति, इधर ही आ रही है। तद बिटपा अंतरितौ भवः, तो आप इन वृक्ष की आड़ में छिप जाओ, आप यहाँ छिप जाओ राजा। तथा ठीक है, इति आत्मनाम आवृत्य तिष्ठति, इस प्रकार अपने आप को छिपाकर खड़ा हो जाता है। ततः प्रविशति पात्र हस्ता गौतमी सख्यौ च, उसके बाद में हाथ में पात्र लिए हुए गौतमी और दोनों सखियों का प्रवेश होता है। दोनों सखियाँ कह रही है, इतः आर्या गौतमी, इधर आइए आर्या गौतमी, इधर आइए। गौतमी कह रही है, शकुंतलाम उपेत्य, शकुंतला के पास जाकर कहती है, जाते अपि लघु संतापानी ते अंगानी, क्या तुम्हारे शरीर का संताप कब कुछ कम हुआ है? शकुंतला कह रही है, आर्य अस्ति में विशेष है, कि हाँ कुछ विशेष तो है, कुछ लाभ तो मुझे हुआ है। गौतमी कह रही है, अनेन दर्भोदकेन निर्बाधायामेव ते शरीरम भविष्यति, इस कुशा वाले जल से, कुशयुक्त जल से निर्बाधाम एव ते शरीरम भविष्यति, तुम्हारा शरीर बिल्कुल पीड़ा रहित हो जाएगा। शिरसि शकुंतलाम उपेक्ष है, यह कहकर शकुंतला के सिर पर वह जल छिड़कती है। फिर कहती है, वत्से परिणतो दिवस है, दिन ढल रहा है, दिन का परिणाम हो रहा है, दिन ढल रहा है, मतलब परिणत हो रहा है, यानी कि बदल रहा है, यानी कि ढल रहा है। एहि उटजमेव गच्छामि, इसलिए आओ झोंपड़ी में चलें, कुटिया में चलें। इति प्रस्थिता, यह कहकर सबका प्रस्थान होता है। गौतमी आई और शकुंतला के ऊपर जल छिड़का और शकुंतला को लेकर वह चली गई। अब यहाँ पर चक्रवाक वधु के एक शब्द का प्रयोग हुआ है। प्रकृति के नियमानुसार रात में चकवा चकवी बिछुड़ जाते हैं और दिन में साथ रहते हैं। कवि ने यहाँ अपने नाट्य कौशल का परिचय देते हुए चक्रवाक वधु से शकुंतला और रजनी से गौतमी और सहचर से दुष्यंत का संकेत किया है। सखियाँ अनुसुया और प्रियंवदा ही नेपथ्य से आवाज़ लगाती हैं कि अपने दूर से ही कहती हैं कि अपने सहचर से यानी दुष्यंत से विदा ले लो। और रजनी आ गई, क्योंकि रजनी को यहाँ गौतमी से तुलना की गई है, तो गौतमी आ गई है, यह कहना चाह रही है वह, और तुम अब विदा ले लो, ऐसा इन्होंने कहा है। तदनुसार यहाँ प्रासंग प्रकारणिक भावी कथा वस्तु का समान व्रता अथवा समान विशेषण द्वारा अन्योक्तिमय संकेत दिया जाता है। उसके बाद में शकुंतला कह रही है, आत्मगतम, अपने मन में सोच रही है, हृदय प्रथमेव सुखोपनते मनोरथे कातर भावम न मुंचसी, कि
हे हृदय, पहले सुखपूर्वक मिले हुए मनोरथ के पास आने पर प्रथमेव सुख उपनते, पहले तो आसानी से मिले हुए मनोरथ के होने पर कातर भावम न मुंचती, तुमने संकोच को नहीं छोड़ा, मुंचसी यानी नहीं छोड़ा, न मुंचसी यानी नहीं छोड़ा, कातर भावम यानी संकोच को या डर को। और सानुशय विघटितस्य कथम ते सांप्रातम संताप है। और अब सानुशय विघटितस्य वियुक्त होने पर, अब वियुक्त होते समय तुम्हें इतना संताप क्यों हो रहा है? जब मनोरथ तुम्हारे साथ था तब तो तुमने संकोच नहीं छोड़ा, और अब वियुक्त होने पर दुखी हो रहे हो। पदांतरे स्थित्वा प्रकाशम, अब कुछ कदम आके जाके वह रुक जाती है और प्रकट में कहती है, लता वलय संताप हारक आमंत्रये त्वाम भूयो अपि परिभोगाय, कि हे लता मंडप, और कैसा लता मंडप, संताप हारक, संताप को दूर करने वाले हे लता कुंज, आमंत्रये त्वाम, तुम्हें आमंत्रित करती हूँ मैं, भूयो अपि परिभोगाय, पुनः उपभोग के लिए, सेवन के लिए। मतलब लता मंडप को वह कह रही है कि मैं पुनः तुम्हें सेवन के लिए आमंत्रित करती हूँ, मैं पुनः यहाँ आऊँगी। तो वह इस प्रकार राजा को ही संकेत कर रही है। इति दुखेन निष्क्रांता शकुंतला सहेतरा भी, इस प्रकार वह दुख के साथ दीर्घ निश्वास छोड़कर वो दुख के साथ शकुंतला औरों के साथ निकल जाती है। राजा कह रहा है पूर्व स्थाने उपेत है, पूर्व स्थान पर आकर, पहले जहाँ बैठा था वहाँ आकर, अभी वह पेड़ों की ओट पे छुपा हुआ था, अब पेड़ों की ओट से बाहर निकलकर वह जहाँ बैठा हुआ था शकुंतला के साथ वहाँ आकर, और निश्वास है दीर्घ निश्वास लेकर कह रहा है, अहो विघ्नवत्य पार्थितार्थ सिद्धय, कि अहो अभीष्ट वस्तुओं की उपलब्धि विघ्नों से युक्त होती है। जब अभीष्ट वस्तुएं हमें मिल जाती हैं तो वे मिली हुई भी विघ्नों से युक्त ही होती हैं। इसके बाद में राजा कह रहा है क्व न खलु संप्रति गच्छामि, कि अब मैं कहाँ जाऊँ। वह वहाँ आके बैठ गया है शकुंतला के साथ जहाँ बैठा था, और अब उसे कुछ सूझ नहीं रहा है। वह कह रहा है कि क्व न खलु संप्रति गच्छामि, अब मैं कहाँ जाऊँ, अथवा यह एव प्रिया परिभुक्तम मुक्ते लता वलये मुहूर्तम स्थास्यामि, अथवा यहीं पर प्रिया के द्वारा उपभोग कर छोड़े हुए लता मंडप में ही कुछ समय के लिए यहीं पर बैठ जाता हूँ, यहीं बैठूँगा। सर्वतो अवलोक्य, और चारों ओर देखकर वह कहता है, तस्या पुष्पमयी शरीर लुलिता शय्या शिलाया इयम क्लांतो मनमत लेख एश नलिनी पत्रे नखय अर्पित है, हस्ताद परि हस्ताद भ्रष्टम इदम विषभरणम इत्या सज्जमाने क्षणों निर्गंतुम सहसा न वेतस ग्रहात शक्नोमि शून्याद अपि, कि तस्या यानी उसके द्वारा, किसके द्वारा, शकुंतला के द्वारा, शकुंतला के द्वारा इयम शिला शिलायाम यह शिला उसके द्वारा शरीर लुलिता पुष्पमयी शय्या उसके शरीर से मसली हुई फूलों की शय्या, और क्लांतो यानी मुरझाया हुआ मनमत लेख यानी प्रेम पत्र नलिनी पत्रे नखई अर्पित है, कमल के पत्र पर नाखूनों से लिखा हुआ मुरझाया हुआ यह प्रेम पत्र है, और हस्तात भ्रष्टम इदम हाथ से गिरा हुआ मृणाल का हस्त आभरण, हाथ में पहना हुआ यह आभरण जो किसका है, मृणाल का बना हुआ है, कमल की नाल का बना हुआ यह उसका हाथ से गिरा हुआ कंगन है,
इस प्रकार इन सब प्रियतमा की वस्तुओं पर आसक्त दृष्टि वाला मैं शून्य भी इस वैद के कुंज में एकाएक बार जाने में असमर्थ हूँ। निसर्गंतुम निर्गंतुम सहसा न वेतस ग्रहात, इस लता मंडप रूपी घर से निर्गंतुम बाहर निकलने में सहसा अचानक बाहर निकलने में न शक्नोमी, मैं समर्थ नहीं हूँ। शून्यादपि, शून्यादपि यानी कि शून्य भी, यहाँ पर शकुंतला अब नहीं है इस समय, फिर भी मैं यहाँ से एकदम से बाहर नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि शकुंतला की छोड़ी हुई कई सारी चीज़ें यहाँ पर हैं जो मुझे आकर्षित कर रही हैं। शकुंतला के कहने का तात्पर्य यह है कि शकुंतला के चले जाने पर राजा लता कुंज में जाता है और वहाँ उसके द्वारा उपभुक्त वस्तुओं से ही अपना मन बहलाता है। वहाँ पर शकुंतला के तप्त शरीर से मसली हुई पुष्पशैया है, कमल पत्र पर उसके नाखूनों से लिखा हुआ प्रेम पत्र है, उसके हाथ से गिरा हुआ मृणाल का कंगन है। इन सब वस्तुओं को राजा आसक्तिपूर्वक देखने लगता है और इसलिए वह लता मंडप में शकुंतला के न होने पर भी सहसा उसे छोड़ना नहीं चाहता है। तो यहाँ पर निर्गंतुम न सहसा शक्नोमी का कारण असज्जमान क्षण है बतलाया गया है। इसलिए प्रस्तुत श्लोक में पदार्थ हेतु काव्यलिंग अलंकार है। शकुंतला के लता गृह में न रहने रूप कारण के होते हुए भी राजा का निर्गमन रूप कार्य नहीं हो रहा है, अतः यहाँ कार्यानुत्पत्ति रूप विशेषोक्ति अलंकार है। निर्गमन रूप कार्य का कारण न होने पर भी कार्य हो रहा है, अतः कारण न होने पर भी कार्य उत्पत्ति होने से विभावना अलंकार है। और इन दोनों अलंकारों के साधक बाधक प्रमाणों के अभाव में संदेह अलंकार भी यहाँ पर है और शार्दुल विक्रीडित छंद इस श्लोक में है। इसके पश्चात आकाश से आवाज़ आती है। आकाश से आवाज़ आने का मतलब है कि कोई बोल नहीं रहा है, आकाश से यूं ही आवाज़ आई है, कोई पात्र नहीं कह रहा है इसको। और क्या आवाज़ आई है? राजन, हे राजन, सायंतने सवन कर्मणि प्रसंवृते वेदीहुत अशनवतीं परितः प्रियस्ताः छाया चरन्ति बहुधा भयम् आदधानाः संध्या पयोद कपिशः पिशिता अशनानाम। कि हे राजन, सायंतने संध्याकालीन सवन कर्मणि यानी यज्ञ कर्मों के संप्रवर्ते प्रारंभ हो जाने पर वेदीं हुताशनवतीं परितः प्रयस्ता, वेदी के यानी कि जहाँ पर यज्ञ हो रहा है उस यज्ञ वेदी, उस अग्नि से युक्त वेदी के चारों ओर व्याप्त सायंकालीन मेघों के समान पीली संध्या पयोद कपिशा, संध्याकालीन मेघों के समान कपिशा यानी पीली पीली पिशिता अश्नानाम, राक्षसों की परछाइयाँ छाया चरंती, परछाइयाँ विचरण करने लगी हैं, अनेक प्रकार के भय को उत्पन्न करने वाली राक्षसों की परछाइयाँ विचरण करने लगी है। राजा को संबोधित करके आकाश से आवाज़ आई है कि हे राजन, संध्या के समय यज्ञ कर्म प्रारंभ होने शुरू हो गए हैं, प्रारंभ हो ही गए हैं, और यज्ञ वेदियों पर जो अग्नि प्रज्वलित की गई है उस वेदी के चारों ओर राक्षसों की भय को उत्पन्न करने वाली अनेक छायाएं विचरण करने लगी हैं। ये छायाएं कैसी हैं? संध्याकालीन मेघों के समान काली पीली हैं, अतः इनसे हमारी आप रक्षा कीजिए। वह कहना ये चाहते हैं कि ये राक्षस आ गए हैं, इनसे हमारी रक्षा कीजिए। राजा कह रहा है अयम अहम आगच्छमि, यह मैं आ रहा हूँ, इति निष्क्रांत है, और इस प्रकार वह निकल जाता है। यहाँ पर यह बताया गया है कि राजा शकुंतला के प्रेम में पड़ा हुआ वियोग का दुख भोग रहा है, उसके बावजूद भी जैसे ही उसको अपने कर्तव्य का याद दिलाई गई तुरंत तैयार होकर वह अपने कर्तव्य के पालन के लिए उठकर चल देता है। संध्या पयोद कपिशा इत्यादि में उपमेय छाया, उपमान मेघ और साधारण धर्म कपिश वर्णत्व को स्पष्ट प्रतिपादित किया गया है, परंतु उपमावाचक इव या व्रत पद लुप्त है, अतः यहाँ पयोदवत कपिश वर्णा समास होने से समासगा वाचक लुप्ता उपमा है।
और भयम आदधाना कथन से भय कारण छायाओं की व्याप्ति का वर्णन हुआ है। अतः काव्यलिंग अलंकार है और वसंत तिलका छंद का इसमें प्रयोग किया गया है। इस प्रकार तीसरा अंक यहाँ समाप्त हो रहा है। तीसरा अंक के बाद में अब हम अगले व्याख्यान में चौथे अंक का अध्ययन प्रारंभ करेंगे।